ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, आप वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आपसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। अगर सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करके अपने पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। एंड इसको ओपन कर लेने के बाद आप सभी को जाना ऐड फोटो में। एंड आप सभी को अपने मॉडल यहाँ पे ऐड कर लेना है कुछ इस टाइप से। इसको ऐड कर लेने के बाद आप सभी को इसको मैं पहले यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ, इस टाइप से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो आप सभी को यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देनी, क्योंकि हम यहाँ पे भी चैट के जो PNGs हैं वो भी लगाने हैं। तो इसके लिए आप सभी को थोड़ा जगह छोड़ना पड़ेगी यहाँ पे। तो आप सबको कुछ इस टाइप से लगा लेना है। एंड उसके बाद यहाँ से आप सभी को इरेजर टूल में जाकर, मतलब कि थोड़ा सा कुछ रह रहा है तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे इसको इरेज कर लिया मैंने। एंड इसके बाद क्या करना, आप सभी को यहाँ से सिंपली अपने मॉडल कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा देना। एंड थोड़ा मतलब कि लाइट से कनेक्ट करके लगाना था, क्योंकि अभी हम यहाँ पे ग्लो इफेक्ट भी डालेंगे। तो ऐसे लगा देने के बाद आप सभी को सिंपली यहाँ पे कर देना डन। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को यहाँ से जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को कुछ लाइट के PNG दे रखे हैं, तो आप सभी को ले लेना है। एंड इसका जो मतलब कि ह्यू है, पहले इसको इसका जो ह्यू है एडजस्ट कर जाएंगे। इसके यहाँ पे जाके ह्यू को हम पिंक कलर में ले जाएंगे, ठीक है? तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है, रेड कलर में। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे ब्लेंडिंग मोड में इसके। एंड इसको कर देंगे स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन कर देंगे। एंड इसको इस टाइप से हम यहाँ पे मतलब कि जितने भी मतलब कि यहाँ पे जहाँ जहाँ पे उनकी जरूरत है हम वहाँ पे लगा देंगे हम इसे कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे हम डुप्लीकेट कर करके यहाँ पे सब कुछ लगा देंगे। एंड इसका ह्यू वगैरह चेंज करके, तो यहाँ पे हम डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पे और एक यहाँ पे लगा देते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो है हमने सारी लाइटिंग वगैरह एडजस्ट कर लिया। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हमने डन कर देना है। एंड डन कर देने के बाद आप सबको यहाँ पे जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सबको एक PNG को और ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चैट का PNG है, तो मैं आप सबको इसको PNG को ले दे दिया मैंने। आप सबको लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड कर लेना। एंड आप सबको कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है, अच्छी तरीके से एकदम एडजस्ट कर लेना है। एंड इसमें हमें ग्लो इफेक्ट भी डालना है, तो वो ग्लो इफेक्ट कैसे डालना है मैं आप सभी को वो भी बताऊंगा अभी, ठीक है। तो आप सबको कुछ इस टाइप से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। थोड़ा साइज को आपको हिसाब से रख लेना है, ठीक है, साइज़ को जो है मतलब कि आपके मॉडल के हिसाब से रख लेना है, मोबाइल के हिसाब से। तो उसके बाद आप यहाँ से ऐड फोटो में ग्लो इफेक्ट का जो ये PNG है मैंने आप सबको दे रखा, तो उसको डाउनलोड कर लेना आप। एंड इसको सिंपली आप सबको ज़्यादा कुछ करना नहीं, आप सबको सिंपली बस ऐसे यहाँ पे लगा देना है। एंड ऐसे इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देना, बाकी ये अपने आप ही ग्लो इफेक्ट में आ जाएगा। तो देखिए गाइस, ग्लो इफेक्ट में आ गया है। तो उसके बाद आप सबको यहाँ पे कर देना सिंपली डन, ठीक है। तो यहाँ से तो हमारा काम हो चुका है इतना, तो अभी हम यहाँ पे डन कर देते हैं। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है। तो पहले एक PNG और रहता है हमारा लास्ट, तो इस पहले इस PNG को लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम फोटो में जाके एंड यहाँ से हम इस PNG को ले लेंगे। तो यहाँ से मैंने PNG को थोड़ा आगे ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ से PNG हमने यहाँ पे ले लिया है। तो उसके बाद अब इसको हम फुल स्क्रीन कर देंगे। एंड इसको ब्लेंडिंग मोड पहले स्क्रीन करके एंड इसको फुल स्क्रीन कर देंगे कुछ इस टाइप से। एंड इसको हम नीचे की तरफ ले जाएंगे एंड यहाँ से हम सिंपली डन कर देंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमारी फोटो काफ़ी ऑसम हो चुकी है। तो अभी क्या करना है, क्योंकि इसमें थोड़ी लाइटिंग वगैरह एडजस्ट करनी, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम आ जाएंगे टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद एडजस्ट में जाएंगे। एडजस्ट में जाने के बाद कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ऊपर की तरफ। एंड जो इस सैचुरेशन है इसको भी हम थोड़ा बढ़ा देंगे। एंड जो उसकी हाईलाइट्स है इसको हम थोड़ा सा इसको माइनस कर देंगे हाईलाइट्स को। एंड ऐसे कर देंगे डन, ठीक है। तो अब इसमें हम दोबारा जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद थोड़ा इसमें डोजन बन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम जाएंगे एडजस्ट में एंड इसके बाद इन्वर्ट कर देंगे। एंड ब्राइटनेस को बढ़ाने के बाद थोड़ा ब्रश का साइज भी छोटा करके एंड ऐसे हम कुछ इस टाइप से पेंट करेंगे, ठीक है। तो आप सबको पूरी बॉडी के ऊपर कर लेना पेंट, फेस वगैरह सब जगह पे। सो गाइस, इसकी ओपेसिटी जो आप सभी को अपने हिसाब से मैनेज करके एंड यहाँ से सिंपली कर देना डन। तो गाइस, अब बात आते हैं हमारी कलर कलेक्शन की। तो कलर कलेक्शन जो करते हैं हम लाइट रूम मैप के अंदर, तो गाइस यहाँ पे हम फोटो कम सेव कर लेंगे एंड चलेंगे लाइट रूम मैप के अंदर। तो गाइस, जब तक हमारा लाइट रूम मैप ओपन हो रहा है यार, अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो लाना भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली ऐड हो चुकी है, तब क्या करेंगे, हम इस फोटो को ऐड करेंगे। एंड यहाँ पे ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लाइट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देंगे, शेडो सॉरी हाईलाइट है जो इसको हम इसको थोड़ा माइनस कर देंगे, शेडो को बढ़ा देंगे। एंड जो व्हाइट है उसको हम थोड़ा माइनस करेंगे, एंड जो ब्लैक है इसको ही माइनस कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जाएंगे कलर्स में एंड वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे। एंड उसका टेम्परेचर थोड़ा माइनस कर देंगे। एंड जाएंगे मिक्स में, मिक्स में जाएंगे ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, इसके सैचुरेशन को माइनस करेंगे। एंड उसके बाद हम ये रेड कलर इसको हम पिंक टोन में ले जाएंगे, ठीक है, इसके ह्यू को एंड सैचुरेशन को प्लस कर देंगे। एंड उसके बाद जो है थोड़ा मतलब कि फेस में मेरे को थोड़ा वो लगता है, तो थोड़ा फेस का ल्यूमिनस बढ़ा लेते हैं यहाँ पे एंड सैचुरेशन को थोड़ा और कम कर लेते हैं। एंड चलते ब्लू कलर में, इसके ह्यू को हम माइनस करेंगे, ठीक है। स्काई ब्लू कर सकते हो, डार्क ब्लू करोगे तो प्लस में करना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है।
तो उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ा देंगे फोटो के, भी हल्का सा विग्नेट डालेंगे फोटो में, एंड उसके बाद जो ग्रेन अमाउंट हम इसको भी बढ़ा देंगे, एंड उसके बाद जाएंगे हम नीचे वाले टूल में फोटो की जो शार्पनेस वगैरह इसको हम बढ़ा देंगे, एंड उसके बाद नॉइज रिडक्शन इसको भी बढ़ा देंगे, एंड जो कलर नॉइज रिडक्शन इसको भी हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है यार, आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।